पहले एक सपना देखा था। सोचा था कि इस सपने को पूरा कर दिखाऊंगा, पर लोग कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। गुरु आपको माना है, हर पल आपका साथ निभाना है, कदम भले ही आपके ना चले, सपनों के आपको उड़ान मुझे लगा है। चोरी से छुप छुप के मैंने, चोरी से छुप छुप के दिन का चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से ही तो उड़ान होती है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं ऐसी जीनियस नहीं बोलता, क्यों क्या है मालूम है क्या, किसी बड़े कलाकार की निशानी होती है कि संवेदनाओं को समझना, फिर उसे अच्छे तरीके से कैप्चर करना है, बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं वैष्णवी के कहानी को नहीं भी जानता और वैष्णवी के गुरु से मिला भी नहीं होता, तो भी एक्ट मुझे इतना ही इफेक्ट करता है यार। मैं इसलिए पॉल का इतना बड़ा फैन। वैष्णवी बहुत भाग्यशाली है, उसको इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं बचपन से, तो वैष्णवी तो बहुत आगे जाओगी आप। लेकिन पॉल फिर से कह रहा हूँ, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो यार इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है एक दो साल में ही आप एंटरटेनर्स की अग्रिम पंक्ति में होंगे, फराजी के साथ, हमारे साथ, आप साथ में रहेंगे आप। और मेड टू बी नो ग्रेट, सम ग्रेट एंटरटेनर। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप से धोखा करोगे, तो अपने घर वालों से धोखा करोगे, क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा पॉल, और ऐसे टैलेंट बहुत रेयर होते, मिलते नहीं। आप संवेदनाओं को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, दैट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
put your hands together for Dehradun ke Nauri Thapa ka Sthapa aur unke super guru Vivek aur dil ka sachcha God ka favorite bachcha Patna ka Akash Mitra aur unke saath hai unke super guru Rishikesh. Kya baat hai tu? राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। बड़ी मुझसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा स्ट्रगल और देश का का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बटे गाड़ दूंगा लड़ता रहूंगा तब तक जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है रखवाला हूं हिंदुस्तान का कसम हमें भारत माँ की है देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश के सरहद पे हम जवान हैं वंदे मातरम अच्छा बेबी मैं अभी किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ अपने इस भगवान के बच्चे का ध्यान रखना देखना कि वो ज्यादा मस्ती ना करे और उसको टाइम पे स्कूल जरूर पहुंचा देना बाय बेबी ओके बाय बेबी बाय बेटा आकाश आज स्पोर्ट्स में तुम्हें जीतना ही होगा मेरा नाम रोशन कर रहे हैं तुम्हें पापा आज स्पोर्ट्स डे नहीं आज मेरी एग्जाम है बाबू मेरे ये जुल्म ना
मेरा क्या होगा? चलो बेटा पढ़ाई करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। समझे बेटा? पापा समझ तो गया, लेकिन कल मैथ्स का पेपर नहीं इंग्लिश का पेपर है। चलो बेटा चलो, तुम्हारा स्कूल आ गया। पापा ये तो आपका ऑफिस है, मेरा स्कूल तो पीछे रह गया। बेबी आपने अपने भगवान के बच्चे को टाइम पे स्कूल तो पहुंचा दिया था ना, आज उसका एग्जाम था। हाँ बेबी पहुंचा दिया था टाइम से और पढ़ा भी दिया था, देखना फर्स्ट आएगा फर्स्ट। बापू का नाम खराब करने वाले हैं। ऐसे बापू तो मतलब बहुत ही हानिकारक है, वाइफ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आकाश आपने बहुत अच्छा किया, आपके एक्सप्रेशंस बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, आप सही सही दिशा में जा रहे हैं। बस ऋषि जी आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक अलग सोच के साथ आई थिंक इस बच्चे को कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। थैंक यू सिंता मैम। आकाश पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बहुत इम्प्रूवमेंट है, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गीता मैम। एंड आकाश आपको होमवर्क करना पड़ेगा, जब आप गाना ऋषि सर आपको देते हैं ना, आपको वो लिपसिंक करना है। हाँ ये छोटी छोटी कमियाँ हैं, उनको आप पूरी करोगे तो आप कंप्लीट सुपर डांसर बनोगे, ठीक है? लेकिन आज का परफॉर्मेंस अच्छा था। थैंक यू गीता मैम, ऑल द बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।